गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज़ 23 अप्रैल 2020, क्लास सिक्स। बच्चों, ये तुम्हारी हिंदी पाठ्य पुस्तक सुनहरी धूप है, जो क्लास सिक्स के लिए मान्य है। मैं मधु वर्मा तुम्हें ये बताती हूँ। इस लेसन में फर्स्ट चैप्टर प्रभाती कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने कहा है कि सूर्योदय होते ही चांद और तारे आसमान से विदा लेते हैं। सूर्य की प्रथम रश्मि धरती पुत्रों का माथा सहलाकर उन्हें उठा देती है। श्रमजीवी निकल पड़ते हैं अपने कार्यों की ओर। बच्चों, इस कविता को मैंने लिखकर तुम्हें बताया है, जो तुम्हें हिंदी पाठ्यपुस्तक में लिखना है। सबसे पहले लिखना है सुनहरी धूप, पाठ संख्या एक। कविता का नाम है प्रभाती और इसके कवि का नाम है रघुवर सहाय। बच्चों, कविता है आया प्रभात, चंदा जग से कर चुका बात, गिन गिन जिनको थी कटी किसी की दीर्घ रात, अनगिनत किरणों की भीड़ भाड़ से भूल गए पथ और खो गए वे तारे, अब स्वप्न लोक के वे अविकल शीतल अशोक, पल जो अब तक थे फैल फैल कर रहे रोग, गतिवान समय की तेज चाल अपने जीवन की क्षण भंगुरता से हारे, जागे जन जन ज्योतिर्मय हो दिन का छन छन, वो स्वप्न प्रिय उन्मिलित कर दे आलिंगन, इस गर्म सुबह तपती दोपहर में निकल पड़े श्रमजीवी धरती के प्यारे। इसके कवि है रघुवीर सहाय। बच्चों, इस कविता में कवि ने कहा है कि देखो, प्रभात सूर्य उदय हो गया, सुबह हो गई है, चंदा जो थे वो जितनी भी किरण थे वो तारों के साथ मिलजुल कर जैसे भी रात काटी, और वे सुबह सूर्य के प्रकाश होते हुए वे सारे अपने रास्ते से चले गए और वे तारे भी आसमान में खो गए। अब जो है स्वप्न लोक से जागो, समय की जो तेज चाल है वो सुबह हो गई है, समय की तेज चाल को समझो और अपने जीवन में जो आए हुए सुबह की लाली है उनसे अपना परिचय दो, और जितने भी जग जन जन जितने भी लोग हैं वो सभी जाग चुके हैं, दिन का जो प्रत्येक क्षण है वो ज्योतिर्मय हो चुका है, अब स्वप्न में जो प्रिय सोए हुए वे उठो, और इस गर्म सुबह की तपती दोपहर से जो श्रम करने वाले जो श्रमजीवी हैं जीविका के लिए धरती के प्यारे हैं वो काम के लिए निकल पड़े हैं, इसलिए बच्चों तुम भी सुबह की बेला में उठो और उठकर अपने सारे कार्य को करो। अब बच्चों, इस कविता को लिखकर सुंदर अक्षरों में हिंदी पाठ्य पुस्तक की कॉपी में लिखनी है। उसके बाद दूसरे पेज में शब्दार्थ लिखना है, जो मैं तुम्हें बताती हूँ शब्दार्थ वर्ड मीनिंग। सबसे पहले लिखना है दीर्घ, जिसका अर्थ होता है लंबी, स्वप्नलोक सपनों की दुनिया, अविकल मीन जो बेचैन न हो, गतिवान जो चलता रहता है, क्षण भंगुरता क्षण भर में नष्ट होने वाला, ज्योतिर्मय मीन्स प्रकाशमय, उन्मिलित खिला हुआ, श्रमजीवी मेहनत करके जीविका कमाने वाला। तो बच्चों, एक पेज में कविता लिखना है और दूसरे पेज में शब्दार्थ लिखना है। शब्दार्थ से कविता का अर्थ समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछना, मैं बताऊंगी। उसके बाद दूसरे पेज में एक में कविता, एक पेज में शब्दार्थ और तीसरे पेज में मौखिक प्रश्न उत्तर, जैसे मैंने पहले भी लिखाया है वैसे ही लिखना है। तो बच्चों लिखो, क्वेश्चन नंबर वन, इस कविता के कवि का नाम बताइए। तो तुम्हें लिखना है, उत्तर देकर लिखना है, इस कविता के कवि का नाम रघुवीर सहाय है। दूसरा क्वेश्चन है, किनको गिनकर लंबी रात काटी जाती है। तो उत्तर लिखना है, अनगिनत किरणों को गिनकर लंबी रात काटी जाती है। तीसरा प्रश्न है बच्चों,
कवि ने स्वप्न लोक के पलों को कैसा बताया है? बच्चों तीसरा उत्तर है, कवि ने स्वप्न लोक के पलों को अविकल यानी जो व्याकुल न हो, जो बेचैन न हो, ऐसा बताया है। चौथा क्वेश्चन है, धरती का प्यारा किसे कहा गया है? उत्तर है, धरती का प्यारा श्रमजीवी यानी मेहनत करके जीविका कमाने वाले को कहा गया है। तो इस तरह बच्चों मैंने तुम्हें कविता, उनके शब्दार्थ और उनके मौखिक प्रश्न उत्तर को बताया है। बच्चों इस प्रथम अध्याय की कविता को हिंदी पाठ पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में साफ साफ लिखना है। सर्वप्रथम हिंदी पाठ पुस्तक और हिंदी व्याकरण के लिए दो कॉपियां लेनी है। एक कॉपी में हिंदी पाठ पुस्तक के प्रश्न उत्तर को लिखना है, दूसरे कॉपी में हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर को लिखना है। मैंने हिंदी व्याकरण के 6 लेसन लिखकर समझाकर भेज दी हूँ। आज हिंदी पाठ पुस्तक से लेसन फर्स्ट कविता प्रभाती लिखी हूँ, जिसमें शब्दार्थ और मौखिक प्रश्न उत्तर भी लिखी हूँ। अब तुम्हें अपनी कॉप अक्षरों में लिखना है। आप लोग कविता को कॉपी में लिखकर याद कर लेंगे, दूसरे पेज में शब्दार्थ और तीसरे पेज में मौखिक प्रश्न उत्तर को लिखना है। डेट और लेसन नंबर भी लिखना है। अगर प्रॉब्लम होती है, कविता नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पढ़ने आ रहा है, तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी। मैं मधु मैम हूँ। अब मैं तुम्हें बुक दिखाती हूँ। बच्चों देखो ऐसा ही लिखा हुआ है जैसे मैंने तुम्हें बताया है बुक में। अभी तो तुम्हारे पास बुक होगी नहीं, मेरे पास है, इसलिए मैं तुम्हें बुक दिखा देती हूँ। यहाँ पे मौखिक प्रश्न उत्तर लिखे हुए हैं। अब उचित विकल्प वाले शब्द जो दिए हुए हैं उन पे चिन्ह लगाना है। वो देखो कैसे दिया हुआ है, वो तुम खुद से कॉपी में बना लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है, रात को जग से किसने बात की? तो इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, आसमान से, सूरज से, पेड़ों से और चंदा से। तो रात को चंदा ने जग से बात की, तो आप बच्चों चंदा में टिक लगा दोगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, समय की चाल कैसी मानी गई है? इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, तेज, धीमी, लंगड़ी और समय गतिहीन है। तो इसका उत्तर है तेज, समय की चाल तेज मानी गई है। क्वेश्चन ग में है, दिन का छन छन कैसा हो, प्रकाशवान, अंधकार में, सुप्त और रुका हुआ। तो बच्चों दिन का छन प्रकाशवान होता है, तो इस तरह इसको भी अपने कॉपी में बना लेना है विकल्प वाले शब्द को, और उसमें चिन्ह लगाना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन को भी लिखना है, जो तुम्हें दिखाई दे रही होगी अच्छी तरह से। और इस कविता को लिखने वाले जो कवि हैं उनका भी मैं तुम्हें कवि परिचय दे देती हूँ। इस कवि का नाम, जन्म 9 दिसंबर 1929 यानी 9th दिसंबर 1929 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में जन्मे रघुवीर सहाय एमए अंग्रेजी साहित्य में थे। इन्होंने एमए अंग्रेजी से किया, परंतु उनकी गिनती हिंदी के विलक्षण कवियों और साहित्यकारों में होती है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, दूसरी है लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, कुछ पते कुछ चिट्ठियां आदि, और बच्चों 30 दिसंबर 1990 को दिल्ली में उनका निधन हो गया और वो हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन उनकी हुई लिखी हुई जो कविता है प्रभाती, वो बहुत ही अच्छी, बच्चों के लिए प्रेरणादायक, हमारे लिए भी प्रेरणादायक और सारे लोगों के लिए ही प्रेरणादायक। इसलिए बच्चों इस कविता को याद करके उसे कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखना है।